क्वेश्चंस जी। अच्छा अब एक बार सब लोग बोल नहीं पा रहे होंगे। अच्छा मैं हाल है सब लोग बोल नहीं पा रहे होंगे अभी यार। यार एडमिनिस्ट्रेटर मुझे आप होस्ट बना दें सो दैट मैं इनको अनम्यूट कर सकूं। हरी साहब काइंडली सर को होस्ट बनाइएगा। थैंक यू। अवे साहब मुझे आप को होस्ट बना दें सर। मैं आपको बना देता हूं। ठीक है थैंक यू। अच्छा जी हरी सिंहानी उनको बनाते हैं को होस्ट। चलें जी ग्रेट या को होस्ट ना हो और मैं जरा लोगों को अब अनम्यूट करूं। अच्छा जी प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आप लोगों के माइक ऑन होते जा रहे हैं तो आप उन्हें खुद ऑफ करें और जब जरूरत हो तो डू आस्क क्वेश्चन। ओके और मैंने अभी ये कहा कि कल अगर आपको कोई इशू था तो आप लोग अपना कोई भी टॉपिक कल में से सवाल पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो जी डू यू हैव अ क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ग्रुप से रिलेटेड बात करनी थी आप। ग्रुप वाला मसला ये है कि मैंने नंबर शेयर कर दिया था, मेरे पास एक और ग्रुप भी आ गया मुल्तान का, तो ग्रुप्स आए जा रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। तो मैंने उस ग्रुप के अंदर ना आप लोगों का नंबर दे दिया था इसी ग्रुप का क्योंकि इसमें कुछ 100 लोग हैं। लेट एवरीबॉडी बी इन द सेम ग्रुप। अच्छा सर मेरी सर अजीम से बात हुई थी, वो हेड ऑफिस के मैनेजमेंट में होते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर अवे से कहो कि वो अपना खुद एक ऑफिशियल ग्रुप बना ले। अब फिर एक काम करते हैं, एक काम क्या काम ये करते हैं, यही जो ग्रुप बना हुआ है ना मैं इसी ग्रुप इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? आप हैं? नहीं सर यार मुझे ये भी नहीं पता ना। अच्छा ठीक है मैं करता ये हूँ कि मैंने अपना नंबर शेयर किया था आपने, दोबारा शेयर कर दें। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सर काइंडली अपना नंबर दोबारा शेयर कर दें। मैं कर रहा हूँ। नंबर शेयर कर दो। थैंक यू सो मच सर। काम मैं ये करता हूँ कि कौन लोग हैं ये मुझे मैसेज करें, ये लोग ग्रुप एडमिन है तो इनसे फिर हैंडल करता हूँ मैं। क्या मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, एनीबॉडी हु हैज दिस नंबर काइंडली कॉन्टैक्ट 03214841131 और दूसरा है 03133111251। जी कोई नहीं है?
मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूं कि ये ग्रुप एडमिन्स ठीक है, somebody has made me admin, तो मैं ठीक है, मैं क्लास के बाद इसको करता हूँ कुछ अभी, तो क्लास हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत देर हो गई है। तो आई आस्क्ड कल के कोई क्वेश्चन है, तो पीपल सेड देयर इज नो क्वेश्चन, तो हम आगे चलते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे जी, कल हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में हमने बात की थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक चीज आपके पास, जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसके अंदर इंटरफेस होगा, और इंटरफेस बेसिकली क्या होता है जी, एनीवन What is interface? Interface is the connection. आप सिस्टम से कैसे बात करेंगे, this is called interface, ठीक? और आजकल जो इंटरफेस है हमारे पास, that is GUI, graphic user interface. और फिर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर जो है broadly speaking चार categories है, और उसमें system software है, application software है, utilities है, और programming software है. और कल हमने खासी डिटेल से बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट पॉपुलर, जो इसका नाम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मशीन ऑन होती है तो वो काम करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को हम कहते हैं JCL। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड सर्विस प्रोग्राम्स, और ये आठ सर्विस प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, bootstrap loader program, process management, memory management, ठीक? फिर हमने कुछ और capabilities भी देखी थी operating system में, and this is where we ended up. Sir, जी. Sir, ये protection वाले बता देंगे आप? Protection जो है, protection का मतलब ये है, देखें आपके system में virus आ सकता है, आपके सिस्टम में हैकर आ सकता है, ये मैं आपको बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो फौरन तौर पर आपके समझ में आने चाहिए। ऐसे तो protection में और बहुत सारे issues भी हैं, तो आपके सिस्टम में खुदा न खासा वायरस आए या कोई हैकर आए, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ये प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है, ठीक है जी? ओके सर, ये वायरस क्या है? वायरस, अच्छा वायरस क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वायरस पे हमारा एक लंबा डिस्कशन होगा जब हम बात करेंगे लॉजिकल थ्रेट्स की, ठीक है? लेकिन फिलहाल एक छोटी सी चीज, ए वायरस इज बेसिकली ए सॉफ्टवेयर, ठीक है? वायरस एक सॉफ्टवेयर है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है के जो लिखा जाता है malicious purposes के लिए, यानी इसका काम होता है सिस्टम को खराब करना, सिस्टम को स्लो करना, सिस्टम का डेटा उड़ाना, ठीक? सर, ये आपने प्रोनाउंस किया वायरस, तो ये वायरस है या वायरस है, इसका असल प्रोनाउंसिएशन क्या है? वायरस, वायरस, मैं वायरस ही कह रहा हूँ, वायरस। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली लोगों को तंग करने के लिए है, और इसके बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जब लॉजिकल थ्रेट्स पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे सिस्टम की, तो ये सारी बातें डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है? लेकिन वैसे अगर आप कहना चाहें तो ये वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जाहिर है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपने लिखा है नेगेटिव कामों के लिए, ठीक है? हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, हमें देखा था कुछ होते हैं जनरल पर्पस जो हर फील्ड के लोगों के लिए हैं, और कुछ होते हैं किसी खास फील्ड के लोगों के लिए, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक। आज हमें शुरू करना है यूटिलिटी प्रोग्राम से, ठीक है? उसके लिए जो पहली वाली लाइन है ना, ये आपको याद रखनी है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स और यूटिलिटीज आर अ ग्रुप ऑफ मिसेलेनियस प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है जी? तो छोटे मोटे कामों के लिए बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक? बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटीज, ठीक? अच्छा, ये बहुत ही स्पेसिफिक और छोटे छोटे कामों के लिए होते हैं, ठीक? जरूरत पड़ती है, जी जी, माइक्स पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, और जब इनकी जरूरत पड़ती है तो हम इनको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं फाइल कन्वर्जन के, कि आपने इस फाइल को इस ग्राफिक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, या इस ऑडियो फॉर्मेट को दूसरे ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक? तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये बैकअप के प्रोग्राम्स हैं, ये कंपैरिजन के प्रोग्राम्स हैं, आप दो सिस्टम्स को, दो फाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, या एंटीवायरस,
जिसके में बात कर रहे थे, ये भी आपके पास यूटिलिटीज है। तो खास चीज क्या है कि बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जो जरूरत पड़ने पर हम यूज करते हैं, एंड दीज आर बेसिकली कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, मजे की बात है, अब बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो आते थे पहले अलग अलग, वो बहुत सारे बिल्ट इन हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। विंडोज ने बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स को अपने अंदर शामिल कर लिया एज सर्विस प्रोग्राम्स, एज सर्विस प्रोग्राम। क्या ये बात लोगों को समझ आती है जी? Everyone? जी, क्या सब लोगों को ये बात समझ आती है? Somebody raise hand, अब्दुल मजीद जी, क्या मसला है? जी अब्दुल मजीद, you have a question? जी अब्दुल मजीद, आपको you are allowed to talk, बोलें, कोई सवाल है आपका? सर माइक का ही मसला था, इसी वजह से किया था। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। चलिए जी, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात हो गई, अब आपके पास जो चौथा सॉफ्टवेयर है वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस को समझने के लिए पहले आप अपनी लैंग्वेजेस को समझ लें, फिर काम आसान हो जाएगा। हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, अंग्रेजी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, और इन लैंग्वेजेस से हम बातचीत करते हैं। अच्छा, अगर मुझे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो मैं कोई लैंग्वेज ही यूज करूँगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सुबह आपने इसको उठना है और फिर आपने इतने बजे नाश्ता करना है और इतने बजे आपने ऑफिस जाना है और फिर ऑफिस में इतने बजे आपने ये करना है और इतने बजे ये करना है और फिर ये करना है और फिर आपने चाय पीनी है, फिर आपने इसको खाना खाना है, फिर आपने ये करना और पाँच बजे आपने निकल आना, अभी घर आना और घर आके आपने ये करना है। तो मैंने आपको टेक्निकली स्पीकिंग आज का एक प्रोग्राम दे दिया है, अग्रीड? Yes, मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक ये करना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने आपसे कहा कि आपने अगले एक महीने तक यही काम करना है, ऐसा हो सकता है? या आपने अब अगले एक साल तक रोजाना यही काम करना है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, आपको एक प्रोग्राम बना के दे दिया अंग्रेजी के अंदर, और अब आप खुद ही मुझसे बगैर पूछे सुबह से लेकर शाम तक इसको एक्सिक्यूट करते हैं और फिर अगले दिन उसको रिपीट करते रहते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? Yes, sir. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, अब ICMA का लेट से एक एग्जामिनेशन का सिस्टम है, या लेट पर बुरी एग्जाम्पल हो जाएगी, बैंक का सिस्टम ले लें। बैंक का सिस्टम है तो उसके अंदर अगर एक डिपॉजिट का सिस्टम है या विड्रॉल का सिस्टम है, तो उसके अंदर हमने सिस्टम को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कोई भी विड्रॉल के लिए आएगा तो पहले आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तब फॉर एग्जाम्पल ATM के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, तो जब आप जाते हैं तो वो ATM का प्रोग्राम आपसे कहते हैं पहले आप ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें और ये लें पैसे। ठीक, तो ATM में एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक, आपके सेल फोन में एक प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं, इनको बनाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं तो मैं यूज करता हूं ह्यूमन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश और उर्दू। कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस होंगी। जी एवरीवन एग्रीज? एग्रीड, बिल्कुल। ठीक है जी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, बेसिकली ये चीजें होती हैं। तो उसमें कुछ बेसिक किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी मदद से मैं बता सकता हूँ कि मेरा डेटा किस किस्म का होगा। हम डेटा के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझे कुछ आपका टेक्स्टुअल डेटा होता है, कुछ न्यूमेरिक डेटा होता है, कुछ ऑडियो डेटा होता है, कुछ वीडियो डेटा होता है। ठीक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मैं बता सकता हूँ कि मेरा डेटा किस किस्म का होगा, मेरे इनपुट किस किस्म के होंगे, मेरे आउटपुट किस किस्म के होंगे, मेरी कैलकुलेशंस क्या होंगी। ठीक, तो सारी की सारी चीज़ें मैं इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूँ। ठीक, और ये इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद मेरा प्रोग्राम रेडी हो जाता है, और फिर जब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, वो सारा का सारा काम कर लेता है। जिस तरह से हमारी लैंग्वेजेस के अंदर वोकैबुलरी है, ग्रामर है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अपनी वोकैबुलरी है, अपनी ग्रामर है।
इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं यार मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, मैं सी लैंग्वेज सीख रहा हूँ. तो एक्चुअली वो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये है कि वो उसकी वोकेबुलरी सीख रहे होते हैं और वो उसकी ग्रामर सीख रहे होते हैं और फिर उस काबिल होते हैं कि सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिख सकें. क्या ये बात समझ आती है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मैंने एक हल्का सा आइडिया आपको दे दिया कि ब्रॉडली स्पीकिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आपके पास हजारों हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग दो कैटेगरीज में आ सकती है, लो लेवल एंड हाई लेवल. दूसरा नाम याद रखें मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. तो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि दीज आर इजिली अंडरस्टूड बाय मशीन पर हमारे लिए मुश्किल होती हैं. इसलिए कि इसको यूं समझें कि हमारे लिए ये 1-0 में मुश्किल 1-0 की फॉर्म में होती है, मुश्किल होती है, कंप्यूटर के लिए आसान होती है. तो इसी से मशीन ओरिएंटेड या लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. इसके अंदर हम अंग्रेजी के ही लफ्ज यूज कर रहे हैं. इस लैंग्वेज के अंदर हम अंग्रेजी के लफ्ज यूज कर रहे हैं. ये हमारे लिए आसान है लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है. ठीक. अच्छा, एक अच्छी सी गाइड मैंने यहाँ पर आपको दी है, लैंग्वेज सिलेक्शन गाइड, कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखें. अच्छा, ये खराब के लिए नहीं, अकाउंटेंट के लिए, लेकिन एक अच्छी सी गाइड है किसी के लिए भी. देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं फ्रंट एंड, अच्छा अब देखिए डेवलपमेंट दो किस्म की होती है, एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड होती है. ये बहुत तफसील से हम बात करेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड की जब हम सिस्टम डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप में से कितने लोगों ने कभी किसी बैंक की वेबसाइट पर जाके कुछ ट्रांजैक्शन किया? जी जी किया मैंने सर. यस सर. इसका मतलब है कि जब आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं तो एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे आप देख रहे हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे आप देख रहे हैं. यस नो? यस सर. जी जी. लेकिन एक प्रोग्राम पीछे भी चल रहा होगा बैंक के सर्वर में, यानी एक आपके पास चल रहा है और एक बैंक के सर्वर में भी चल रहा होगा. यस नो? यस. फिलहाल आप ये समझे जो यूजर के पास चल रहा है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड और जो पीछे चल रहा होता सर्वर में कहीं उसे हम कहते हैं बैक एंड. जी एवरीवन, जो मेरे पास चल रहा है वो फ्रंट एंड, जो कंपनी के अंदर चल रहा है दैट इज बैक एंड. अगर आपने फ्रंट एंड की डेवलपमेंट करनी है तो उसे जावास्क्रिप्ट अच्छी है, एल्म अच्छी है, टाइपस्क्रिप्ट अच्छी है. बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट है, स्काला है, पाइथन है, गो है, रूबी है. मोबाइल की अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उसके लिए स्विफ्ट है, जावा है, ऑब्जेक्टिव सी है, जावास्क्रिप्ट है. गेम अगर आपने बनाने हैं तो गेम के लिए आपके पास यूनिटी एक अच्छी लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज है. अगर आपने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए कुछ प्रोग्राम बनाने हैं तो उसके स्काला है, गो है, पाइथन है. और अगर आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है तो गो एंड रस्ट. तो ये सिर्फ एक आपके आइडिया के लिए है, थोड़ी टेक्निकल चीज है, इसे मैंने आपके लिए आइडिया के लिए दी है. इसकी एज सच कोई एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंस नहीं है. ठीक. अभी यहाँ मेरे सब लोग साथ हैं. जी अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, लाहौर वालों के लिए और बाकी जगहों के लिए तो खासी देर हो रही. ठीक. Take 15 minutes break quickly for namaz and come back. Thank you. Ji sir. Yes sir.
I'm back. Please continue, Gurin. Thank you. तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बस मैं अगेन फॉर सम पीपल दे आर नॉट अलाउड टू टॉक। ठीक हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मैं फान बोल रहा हूँ। सर ये मैं पूछना था, आप बुक कौन सी शेयर करेंगे व्हाट्सएप में और कब करेंगे? यही जो हम पढ़ रहे हैं, असल में ग्रुप का ही डिसाइड नहीं हो रहा मैं कहाँ शेयर करूँ। सर ये जो MIS में है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, आप उससे शेयर कर दें। अभी मैंने कर देता हूँ उसको, अभी मुझे उसमें एडमिन भी बना दिया तो मैं उसको कर देता हूँ। यस सर, यस ठीक है, थैंक यू। चलें सर, थैंक यू। ओके जी, लेट्स गो ऑन। This chapter is over, and next we have इसी point number 2 का G point है, network architecture। ऐसे topic अपने तौर पे भी अहम है, plus इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जब आप ऑडिट पे जाएंगे, बिकॉज अगेन जब आपने IT का ऑडिट करना होगा तो यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इसमें हेडिंग में लिखा हुआ LAN, WAN एंड वायरलेस, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो लेट्स सी। मेरे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। जी फरमाइए। अभी जो आपने लास्ट चैप्टर में जो फ्रंट एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट पढ़ाया था उसकी एग्जांपल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो बस एक्नॉलेज के लिए चीज थी, लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड का जो कॉन्सेप्ट है सब सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ उसको तफसील से देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बताया कि जी जो यूजर एंड पे चीज चल रही है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो पीछे चल रही होती है सर्वर साइड पे वो बैक एंड है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखें। ठीक है, बाकी फिर जो वो चीजें आएंगी तो उसको हम देखेंगे। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन तो सबको आइडिया है, आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। यस सर, यस, लेकिन साइंस ने जितने भी तरक्की की है उसका सबसे ज्यादा लोगों को पता है कम्युनिकेशन के हवाले से। यस सर, देखिए मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है लेकिन सबको अंदाजा नहीं होगा, स्पेस इंजीनियरिंग ने बहुत तरक्की की है सबको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में बहुत तरक्की हुई है इसका सबको अंदाजा है, सबको अंदाजा है, सबका यूज भी है, सबके पास सेल फोन है। आई एम श्योर पीपल हैव एन आइडिया कि एक जमाने में हैविंग अ फोन वॉज अ बिग थिंग, कहते थे कि जी दादा जान जो है वो एप्लीकेशन देते थे और पोता जान जो है उसको फिर फोन मिलता था। नाउडेज उसी वो वायर बेस से हम वायरलेस पे चले गए हैं और पाकिस्तान में कितने सेल फोन यूजर्स हैं, हमारी आबादी 22 करोड़ की है तो तकरीबन 12 करोड़ के करीब सेल फोन यूजर्स हैं। और इफ यू लुक एट ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उनके मुताबिक दुनिया की 7.5 बिलियन आबादी में से तकरीबन 6.5 बिलियन लोग जो है ना कनेक्शन है सेल फोन से। ठीक, अब जाहिर है उसमें बहुत सारे लोगों के पास दो दो नंबर्स भी हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेरी कंफर्टेबली 90% लोगों के पास फोन है। ठीक, आज कोई भी कहीं पर भी बैठा, एक जमाने में लोग कहते थे शहर के बीच में रहे सो दैट वी आर अपडेटेड, बट नाउ यू कैन बी लिविंग इन फार फ्लंग एरिया, सबर्ब्स में दूर दराज अकेले पहाड़ पे
आप रह रहे हो बट यू आर एज अपडेटेड एज एनीवन लिविंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी. शहरों की कनेक्टिविटी अब पुरानी बात हो गई है, कंट्रीज की कनेक्टिविटी पुरानी बात हो गई है, अब तो आपके पास कनेक्टिविटी इज बिटवीन द प्लैनेट्स. और एक अच्छी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके पास ये मार्स, सैटर्न, जुपिटर और अर्थ ये कनेक्टेड है. इज अ प्रॉपर डेटा कम्युनिकेशन गोइंग ऑन अमंग दीज सैटेलाइट्स. जी अमीर, आपको कोई सवाल है? सर एक बार रिपीट कर दें जैसे पहले आपने पढ़ाया. अरे जो जो कहा वो सारा रिपीट कर दो. समरी मैंने ये दी है उसकी कि हम सर इसे पहले आपने क्या पढ़ाया. हमने सिर्फ यही बात की है कि डेटा कम्युनिकेशन है ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है और आज सबके पास सेलफोन है, सबके पास कनेक्टिविटी है, आप कहीं पर भी रह रहे हो आप हर एक से कनेक्टेड है. ठीक, बहुत तरक्की हो गई हुई है. और फिर हमने ये कहा कि हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स भी कनेक्टेड हैं जैसे मार्स, सैटर्न, जुपिटर एंड अर्थ. ठीक, ये कनेक्टेड है. और अब आप देखें कि यानी आप कनेक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, और अब आप पानी के नीचे भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. आपके पास जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी है तो पानी के लिए लाईफाई टेक्नोलॉजी है, लाईफाई, लाइट फिडेलिटी. तो टेक्नोलॉजी मीन्स कम्युनिकेशन. अब आप कहीं से भी बैठ के करें, दुनिया में आप कहीं पर भी हो, आसमानों में हो, पानियों में हो, सहराओं में हो, कहीं पर भी हो, यू कैन डू इट. अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज शुरू में हमारे पास वायर बेस थी, तारे बिछाते थे हम, और उसके अपने मसाइल थे. अब आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन हो गई, तार की जरूरत ही नहीं है. ठीक, ये पूरा का पूरा जो टेली कम्युनिकेशन सेटअप है इसे हम यूज कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए. डेटा कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन आजकल एक ही चीज है. ठीक, तो टेली कम्युनिकेशन सेटअप है हमारे पास और इस पर हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं. और ये डेटा टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, ग्राफिक डेटा भी हो सकता है, ऑडियो डेटा भी हो सकता है और वीडियो डेटा भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये चीजें हैं कि जी लैन है, मैन है, वैन है, इन सब का जिक्र आगे आ रहा है. इन सब के थ्रू हम डेटा कम्युनिकेशन हर वक्त कर रहे हैं. और आजकल चूंकि आपके पास सेलफोन है तो सेलफोन में आपको पता है कि आप कॉल्स तो कर रहे हैं. कॉल्स करने का मतलब है कि वॉइस डेटा आ रहा है, जा रहा है. फिर अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो फिर आप उस पर बाकी और चीज़ें भी भेज सकते हैं. अदरवाइज अगर सिंपल फ़ोन कनेक्शन भी है तो उस पर आप टेक्स्ट और वॉइस तो भेज ही सकते हैं. और अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो फिर आप ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हैं. डेटा कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. अच्छा, नॉर्मल कम्युनिकेशन आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसमें एक सेंडर होता है. फॉर एग्जांपल भी मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर्स हैं. फिर इनकोडिंग हो रही है. इनकोडिंग का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ख्यालात हैं, कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे. मेरे दिमाग से तो आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं ऐसे इनकोड कर रहा हूँ. इनकोड करने का मतलब है मैं अपने ख्यालात को कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स में. ठीक है, मैं तस्वीरों में भी कर सकता हूँ, वर्ड्स में मैंने इनकोड किया, फिर ये मैंने आपको भेज दिया. और आप क्या कर रहे हैं, आपने वर्ड्स रिसीव किए. ठीक है, और उस वर्ड्स को आपने रिसीव करने के बाद डीकोड किया, और डीकोड किया तो आपको मेरे ख्यालात, मेरी बात समझ आ गई. और सारे भेजने, मैं जब आपसे बात कर रहा था कोई ना कोई चैनल में यूज कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस होगा, या फॉर एग्जाम्पल कोई खत होगा. ठीक, और जब कम्युनिकेशन मैं और आप कर रहे होंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, आवाज़ सही सुनाई ना दे. ठीक, और नॉइज भी हो सकती है. नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल. मैं और आप बात कर रहे थे, बाहर से ट्रैफिक जा रहा था, उसकी वजह से आपको बात सही सुनाई दी या नहीं दी. यही एग्जैक्टली सारी चीज़ें कंप्यूटर में भी हैं. तो फर्क क्या आ जाएगा कि सेंडर एक कंप्यूटर होगा, रिसीवर दूसरा कंप्यूटर होगा. ठीक, मैं आपको कोई चीज़ भेज रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, तो मैं उसको इनकोड करूँगा. ठीक, और वो चैनल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जाएगी, जाएगी तो आपके पास पहुँचेगी, और आप उसे डीकोड करेंगे, और डीकोड करने के बाद आपको रिसीव हो जाएगी. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हाइल दिस ईमेल वाज बीइंग सेंट द
there was some distortion or there was some noise. ठीक अच्छा distortion और noise की एक अच्छी मिसाल जो सब लोगों ने देखी होगी वो आपको telephone line पे अक्सर distortion आ जाती है distortion या noise जो है वो telephone line पे आ जाती है या बाज़ औक़ात आप जब data download कर रहे होते हैं कोई data सही download नहीं होता उसमें भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं distortion या noise हो सकती है क्या यहाँ तक चीज़ें clear हैं yes जी एवरीवन यस सर क्लियर राइट अच्छा कुछ लोगों ने शायद डिस्ट्रॉय किया सर ये डेटा कनेक्शन में जो आपने बोला है ना कि डिस्टॉर्शन होती तो ये कंप्यूटर में किस टाइप की हो सकती है कंप्यूटर में तो नॉइस वगैरह नहीं हो सकता तो कोई और किस्म होगी अभी रुक जाए अभी आ रहे हैं बात आ रही है इसकी जिक्र आ रहा है अभी ठीक है बात करते हैं इसका अच्छा जी अब आप देखें ये भी आपके जवाब इसमें आ भी जाएगा यहाँ पर एक अच्छी चीज लिखी है कि जब आप एक लेटर भेजते हैं तो लेटर कैसे भेजते हैं अब आप समझें कि अगर मैं आपको एक लेटर भेजना चाह रहा हूं तो मैं लेटर लिखता हूं दिस लेटर इज माई डेटा ठीक है फिर इस लेटर को मैं डालता हूं एक एनवलप में ठीक है उस एनवलप के एक साइड पे मैं लिखता हूँ अपना एड्रेस सेंडर एड्रेस और दूसरे साइड पे मैं लिखता हूँ आपका एड्रेस रिसीवर एड्रेस ठीक है जी ये एक पैकेट तैयार हो गया अब ये पैकेट मैं भेजूंगा इस पैकेट को मैं डाल देता हूँ पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क में और पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क में मैंने डाल दिया पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे इसे वो तमाम लेटर्स को जमा करेंगे सॉर्ट करेंगे वो देखेंगे कौन से लेटर पाकिस्तान के बाहर के हैं कौन से पाकिस्तान के अंदर के हैं कौन से कराची के हैं कौन से लाहौर के हैं सबको अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद वो फिर उनको भिजवा देंगे ठीक फॉर एग्जांपल लेटर लाहौर के लिए था तो यहाँ से लाहौर चला जाएगा तो लाहौर के पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहाँ से फिर एक बंदा वो लेटर लेकर आपके घर पर आ जाएगा ठीक क्या यहाँ पर सब लोग क्लियर है मेरे साथ यस सर क्लियर अच्छा जी अब यही सब कुछ कंप्यूटर में भी हो रहा है मैंने यहाँ से एक ईमेल भेजी वो ईमेल मेरे सर्वर में गई वहां से आपके सर्वर में गई और फिर आपके सर्वर से फिर आपके सिस्टम में आ गई ठीक तो बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म है लेकिन अब एक मसला आता है मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो लेटर भेज रहा हूँ उसमें 50 पेजेस हैं अब ये 50 पेजेस जो भेजने हैं मुझे रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि एक पैकेट में एक एनवलप में 50 पेजेस आ नहीं सकते एक एनवलप में एक लिफाफे में 5 पेजेस आ सकते हैं तो अब मैं क्या करूं कैसे भेजूं आपको ये 50 पेजेस कैसे भेजूं जी एनीवन क्या करूं बड़ा एनवलप यूज करेंगे नहीं नहीं बड़ा एनवलप नहीं है मेरे पास बस एक ही एनवलप का साइज है और उसमें 5 पेजेस आते हैं 50 पेजेस भेजने 10 अलग अलग करके भेजने 10 अलग अलग करने गुड तो अब मैंने किया ये कि मैंने 10 पैकेट्स बना लिए हर पैकेट में कितने पेजेस हैं 5 पेजेस हैं ठीक है जी अब पैकेट में हर पैकेट में 5-5 पेजेस हैं 10 पैकेट बना लिए लेकिन ये जब पहुंचेंगे तो हर किसी का टाइमिंग तो अलग अभी अलग अभी रुक जाना पहले बात पूरी हो जाए तो फिर चीज क्लियर हो जाएगी अब पैकेट मैंने बना लिए और अब पैकेट पर मैं एक और चीज भी डालूंगा दैट इज पैकेट नंबर ये बात समझ आ रही है अब एक तरफ मैं लिखूंगा सेंडर का एड्रेस एक तरफ लिखूंगा रिसीवर का एड्रेस और उसमें पैकेट नंबर भी डालूंगा पैकेट नंबर इसलिए डालूंगा कि जब आपके पास पैकेट पहुंचेंगे और चले आप ही की बात ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये पैकेट आपके पास आगे पीछे पहुंचे क्या ये मुमकिन है कि लेटर्स आगे पीछे पहुंचे बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन तो अब ये लेटर अगर आगे पीछे पहुंचेंगे भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेटर नंबर पैकेट नंबर 10 पहले आ गया फिर 9 आ गया फिर 1 आ गया फिर 3 आ गया फिर 5 आ गया आप इंतजार करेंगे कि सारे पैकेट्स आ जाएं
जब सारे पैकेट्स आ जाएंगे, हो सकता है उसमें 3-4 दिन लग जाए. अब सारे पैकेट्स आ गए, इन सारे पैकेट्स को आप एक तरतीब में रखेंगे और फिर खोलेंगे, और जब आप इनको खोलेंगे तरतीब में तो आपके पास सारे पेजेस तरतीब में आ जाएंगे. यस नो? जी जी यस सर. तो बस ठीक है, बस इसका मतलब है कि चीज हो गई. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि एक पैकेट कभी आए ही नहीं, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया, मतलब ला रहे थे रास्ते में गिर गया कहीं. ये बात समझ आई? मे बी पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है ना. एंड दिस इज कॉल्ड पैकेट लॉस, दिस इज कॉल्ड पैकेट लॉस. अच्छा पैकेट लॉस की मैं आपको कंप्यूटर की एग्जांपल भी दिखाता हूँ. अब ये बताएं कि कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ईमेल भेजी हो और वो ईमेल आपके पास इनकम्प्लीट आई हो? सर कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, कभी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है, इसका मतलब है जितने भी पैकेट किसी ने भेजे होंगे ना, सारे के सारे पैकेट आपके सर्वर में आए होंगे, छुए होंगे, और फिर आपको पता चला कि आपके पास एक मेल आई है और आपने खोला तो सारे के सारे पैकेट्स वहीं पे थे और आपको पूरा मैसेज मिला. ऐसे ही? जी सर ऐसे ही होता है. लेकिन अब आप याद करें एक मजे की चीज, आज से कोई 8-10 साल पहले तक आपके पास एक SMS आया. अच्छा SMS आया, आपने पढ़ा तो उसके नीचे लिखा हुआ था सम टेक्स्ट मिसिंग. जी किसी को याद है ऐसी कोई चीज? हाँ डॉस में भी होता था, मैसेज में भी आता था. यस सर. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सम टेक्स्ट मिसिंग का मतलब ये है कि वो पैकेट मिस हो गया. ठीक. अच्छा कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप मैसेज पढ़ रहे थे और अचानक से आपके सेल फोन ने कहा अपडेटिंग, और अपडेटिंग का मतलब है वो दूसरा पैकेट अभी तक नहीं आया था, वो आ गया और वो उसको कनेक्ट करता है और आपको पूरा मैसेज मिल जाता है. ठीक. आजकल आपके पास कोई इनकम्प्लीट मैसेज भी नहीं आएगा, लेकिन शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी थी तो उसमें कुछ इश्यूज थे, तो आज से 8-10 साल पहले तक कई दफा ऐसा होता था कि जो टेक्स्ट था वो कम्प्लीट नहीं आता था. I'm not saying हमेशा आते हैं, कभी कभार. अच्छा मुझे अभी का एक्सपीरियंस तो नहीं है, there is a possibility, बिल्कुल हो सकता है, there is a possibility. वो कहते हैं कि जो है ना this message may take some time, उसके बाद लोड ही नहीं होता वो. अच्छा हाँ WhatsApp पे बिल्कुल आपने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट. बाज़ का वो क्या होगा, चेकिंग फॉर मैसेजेस और वेटिंग फॉर मैसेजेस, लेकिन फिर वो आते नहीं है. So, there is a possibility. Now this is called packet loss. This is called packet loss. अब सवाल ये है कि मैंने आपसे कहा कि पैकेट बनेगा और पैकेट के अंदर जो है 5 पेजेस आएंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रूल्स हैं, कोई ना कोई रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और ये रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स. कैसे पैकेट बनेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे कनेक्ट होगा, ये कहलाता है प्रोटोकॉल. जी ये बात समझ आ गई? जी. अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम ये पढ़ रहे होंगे लॉजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह, तो वहां पर ये नॉलेज आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी. अब मैंने यहाँ पर आपको एक ईमेल पैकेट का ईमेल पैकेट का भी दिखाया. अब देखिए कंप्यूटर में जब ईमेल का पैकेट बनता है तो उसके 3 हिस्से होते हैं, एक उसमें हेडर होता है, एक उसमें पेलोड होता है, और एक उसमें ट्रेलर होता है, यानी एक स्टार्ट होता है, एक लोड होता है, और एक एंड होता है. अब नोट डाउन, हेडर में क्या क्या होता है? हेडर में होती है सेंडर की आईपी एड्रेस, एंड आई एम श्योर लोगों को अंदाजा है कि हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक. सेंडर का आईपी एड्रेस है, रिसीवर का आईपी एड्रेस है, फिर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा. अच्छा प्रोटोकॉल का जिक्र अभी हम थोड़ा आगे जाके करते हैं. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं अब आपके पास, देयर आर डजन रादर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक दो प्रोटोकॉल जो आपने देखे होंगे, HTTP जो आप देखते हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल है, सारी वेबसाइट्स इसी प्रोटोकॉल के तहत बनती हैं, आती हैं, जाती हैं. ठीक. अच्छा फिर पैकेट नंबर, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैकेट्स है, पैकेट नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हेडर में होती है, और ये इंफॉर्मेशन होती है 96 बिट्स की, यानी 96 ones and 0s. 96 ones and zeros में ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं.
जी समझ आई बात? यस सर। नहीं सर, समझ में नहीं आई। इसमें समझने की चीज क्या? नहीं सर, हमने ये कहा सर आपने जो सेंडर जी बोले सर बताएं सर आप बताएं बताएं जो सेंडर की इंफॉर्मेशन है, जो रिसीवर की इंफॉर्मेशन है, जो पैकेट नंबर की इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर करने के लिए हम 96 वन्स एंड जीरोस यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 96 वन्स एंड जीरोस में। वन्स एंड जीरोस कह रहे हैं या बिट्स कह रहे हैं? जी क्लियर? सही है सर। अच्छा फिर जो आपका वो डेटा है, वो ईमेल है जिसमें आपने किसी को ईमेल लिखी है कि जी आपने आईसीएमओ को ईमेल लिखी है कि जी I haven't received my admit card and you know I want details about examination. जो भी ईमेल आपने लिखी है वो कहलाती है पेलोड और वो कहलाती है डेटा। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये ईमेल जो पेलोड जो है वो 896 bits में स्टोर होता है, 896 ones and zeros. अच्छा इसका मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं अगर आपकी ईमेल बहुत ही बड़ी है तो एक पैकेट नहीं बनेगा, बहुत सारे पैकेट्स बनेंगे। यस नो? जी ये बात समझ आती है? जी सर। अच्छा फिर ट्रेलर, ट्रेलर समझें कि हर पैकेट के आखिर में लिखा होता है, हर पैकेट के आखिर में लिखा होता है डी एंड, हर पैकेट के आखिर में लिखा होता है डी एंड। ठीक, डी एंड लिखा होता है और एरर करेक्शन का तरीका लिखा होता है कि अगर एक पैकेट खराब हो जाए तो वो अपने आप को सही कर सकता है। इसकी बात मैं आगे भी करूंगा। ठीक, तो पैकेट के आखिर में एक तो डी एंड लिखा हुआ होता है और एक एरर करेक्शन का तरीका लिखा हुआ होता है कि अगर पैकेट खराब हो तो ये अपने आप को खुद ही सही कर लेगा। और ये इंफॉर्मेशन होती है 32 वन्स एंड जीरोस में, ये होती है 32 वन्स एंड जीरोस में। अच्छा एक काम करें सब लोग और जल्दी से मुझे चैट में इसका जवाब दें कि 96 वन्स एंड जीरोस या बिट्स, 896 बिट्स और 32 बिट्स, इसको ऐड करें कितना आता है? अब थोड़ा सा हम रिस्क ले लेते हैं एक बात करने का। 1024 बिट्स है। Yes, 1024 बिट्स है। 1024 वन्स एंड जीरोस है। Am I right? Yes, yes, sir. अब एक जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर का मतलब है कोई भी अल्फाबेट, और ये नॉलेज आपके पास आगे डेटाबेसेस में काम आएगी जैसे मैं बात कर रहा हूं। कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब है अल्फाबेट या नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर साइन या परसेंटेज। ये एक कैरेक्टर मिलकर बनता है 8 bits. एक कैरेक्टर मिलकर बनता है 8 bits से, इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि 8 bits make one character or one byte. 8 bits make one character or one byte. जी मदनी क्या क्वेश्चन है आपका? जी मदनी जुबैर क्या क्वेश्चन है आपका? ओके तो 8 bits मिलकर बन जाती है 1 byte या 1 character, और 1 character का मतलब है कोई एक अल्फाबेट या कोई एक नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर। तो जो 1024 बिट्स आपके पास आई है इनको ऐड करके 96 और 896 एंड 32, इसको अगर डिवाइड करें 8 से, 128 जी, 128 का मतलब क्या है? इसका मतलब 128 कैरेक्टर्स या 128 अल्फाबेट्स। यस नो? यस सर। सबकी बात समझ में आ गई?
इसका मतलब अगर आप एक ईमेल का पैकेट भेजते हैं, एक ईमेल पैकेट में 128 कैरेक्टर्स होते हैं, 128 कैरेक्टर, और 128 कैरेक्टर्स कितने होते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, कैरेक्टर्स कितने होंगे, एक छोटा सा मैसेज होगा सर, यस नो जी सर। अगर आपने एक अच्छी बड़ी ईमेल लिखी 4-5 लाइनों की, तो ये कोई बन जाएंगे आपके पास 3-4 पैकेट्स बन जाएंगे। कई बार समझ आ गई? अभी 3-4 पैकेट्स जो है वो आपके सर्वर से सामने वाले के सर्वर में पहुंच कर फिर आपके पास आ जाएंगे जी। यहाँ तक एवरीबॉडी इज क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। अभी प्रोटोकॉल जी, अदनान यूसुफ से यू हैव अ क्वेश्चन। जी अदनान यूसुफ से आपका क्वेश्चन है कोई? यू आर अलाउड टू टॉक, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आप एमसीक्यू सी प्रैक्टिस करवाएंगे? MCQs क्या होते हैं? जी MCQs क्या होते हैं भाई? Multiple choice questions. जो पेपर में आएंगे। अच्छा जो पेपर में आएंगे। ये बताएं। सर ये माइक डिस्कनेक्ट हो गया था उसका, उसके लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बात ये है कि आपको MCQs का फिकर है, लेकिन MCQs को आंसर करने के लिए जो नॉलेज है उसका फिकर है आपको? उसका भी है यार, पहले ये पढ़ तो लेना जिस पे, जिस नॉलेज पे एमसीक्यू बनेगा। यानी मैं आपको इस वक्त इंतहाई टेक्निकल चीज एक समझा रहा था और मैंने आपसे कहा ये आगे भी बहुत यूज आएगी, आपने फौरन ही एमसीक्यू का सवाल कर लिया। तो जवान मेरा आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, बट लेट मी नाउ टेल यू कि हम जो ना पढ़ने में बिलीव करते हैं और हम हर चीज कवर करते हैं, ठीक है। आपने अगर अभी तक 2-3 लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने माइन्यूटस डिटेल्स को भी एड्रेस किया है, ठीक। इसका मतलब है आपको एग्जाम पास करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है ना, इंशाल्लाह वी विल डू ऑल दैट। हाँ, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप फोकस करें जो आपको बताया जा रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करें, ठीक है ना। एमसीक्यूज होंगे, कब होंगे, कब करने चाहिए, कैसे होंगे, कितने होंगे, जब आप उन पर आएंगे ना तो आपको उस पर भी मजा आएगा इंशाल्लाह, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड grasp over it. लेकिन वो अगर आप सोच रहे हैं कि MCQ का रट्टा वट्टा वाली चीज होगी तो वो नहीं होगी। हम जाएंगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है जी। तो उस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश कर लें और थिंकिंग अबाउट द MCQs इज आई थिंक वेरी 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 अर्ली, टू अर्ली, ठीक है। इस नॉलेज को फोकस करें तो MCQs होंगे। मैं आपको एक अच्छा सा चैलेंज दे देता हूँ। आप लोगों के शायद वेबसाइट पे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर MCQs पड़े हुए, ये जितना कोर्स हम करेंगे ना उसके बाद आप उसको कीजिएगा, एंड आई एम टेलिंग यू विल बी एबल टू डू 95% विदाउट एनी ट्रबल। आई चैलेंज दिस, ठीक है। तो काइंडली फोकस ऑन द पढ़ाई। अच्छा जी, कमिंग टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है जी? प्रोटोकॉल का मतलब है, बड़ा आसान सा मतलब है, एग्रीड सेट ऑफ प्रोसीजर्स। कहीं पर भी अगर आपके पास कोई एग्रीड सेट ऑफ प्रोसीजर्स है ना तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है। और सारे प्रोटोकॉल आपको बताता है कैसे किसी काम को करना है, इनिशिएट करना है, कंट्रोल करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक। एक अच्छी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आजकल आप चूंकि सुन भी रहे होंगे कि आपके पास मेडिकल के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल है, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑपरेशन करना है तो उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो बताता है कि आपने कैसे स्टार्ट करना है ऑपरेशन को, क्या करना है, फिर क्या करना है और कैसे फिर आपने ऑपरेशन को एंड करना है। कई बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। प्रोटोकॉल का हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग मतलब लेते हैं इज्जत, ये प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है तो ये प्रेसिडेंट की इज्जत है, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है आपके पास प्रोसीजर्स, कैसे किसी काम को स्टार्ट करना है, कैसे उसको लेके चलना है, कैसे एंड करना है, ठीक। सर प्रोसीजर रूल में फर्क तो है ना? हाँ समझे, प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, एक ही चीज है, ठीक है।
अच्छा इसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ें, प्रोटोकॉल्स कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स. ये बड़ी जबरदस्त चीज है. और मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ जो यहाँ दी भी है. आपके पास प्रोटोकॉल में, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ ली है जी? आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ ली है? अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स पढ़े. अगर आप गौर से देखें, मैंने नहीं पढ़ा. तो आपने नहीं पढ़ा तो इसीलिए मैंने एक और एग्जांपल दे दिया ट्रैफिक रूल्स की. पहले वो ले लें. ओके सर. पता आपको ट्रैफिक रूल्स पता है आपको? ट्रैफिक रूल ये होता है ना कि अगर लाइट रेड हो जाए तो आपने नहीं रुकना, ठीक है? रेड में रुकना है, रेड पे रुकना है, ठीक है? अगर गाड़ी फॉर एग्जाम्पल पार्क हुई हुई है तो आप उसके बराबर में अपनी गाड़ी पार्क कर दें, राइट? ऐसे ही नहीं करें, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल्स है. ये प्रोटोकॉल है कि डबल पार्किंग नहीं करनी, ग्रीन पे चलना है, रेड पे रुकना है. तो अब हर कोई इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है तो ट्रैफिक बड़ी नॉर्मल चलती रहेगी. इज दिस राइट? यस सर. ठीक. अब फॉर एग्जांपल एक बंदा रेड सिग्नल पे नहीं रुकता तो क्या ख्याल है? आपने एरर डिटेक्ट कर लिया? एरर डिटेक्ट हो गया कि रेड पे रुकना था और ये बंदा नहीं रुका. यस नो? इसका मतलब है आपने ये जो एरर डिटेक्ट किया है ये प्रोटोकॉल की मदद से डिटेक्ट किया है. यस नो? यस सर. इसको हम चेक भी कर लेंगे. प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि अब इसको कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोकेगा. जी सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आप प्लीज सबको बोल दें अपने माइक ऑफ कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और आपकी आवाज नहीं आ रही उस वजह से. अच्छा, इसका मतलब है कि people are acting irresponsibly. इसका माइक जो है सब लोग ऑफ रखें. ठीक ठीक. अब देख लें, मैंने आपको कल एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप माइक ऑन रखते हैं तो फिर थोड़ा सा आपके जो घरेलू आवाज है ना वो भी आ रही होती है. तो वो आपकी चॉइस है. आप चाहते हैं कि आपके घरेलू हालात से सब लोगों की वाकफियत हो तो वो आपकी चॉइस. मैंने तो आपको कहा कि एक्ट रिस्पॉन्सिबली, जब जरूरत हो माइक ऑन करें अदरवाइज ऑफ कर दें. जी कुछ लोगों ने हाथ रेस किया. जी जी वाइवो 1920 क्या है आपका? यू आर नॉट अलाउड टू टॉक. उफ, ये बड़ा मुश्किल काम है. जी नाउ एवरीबॉडी इज अलाउड टू टॉक. जी बोले सर, लास्ट में आपने पैकेट ईमेल एग्जांपल में जो 128 करेक्टर्स का थोड़ा सा उसको अगर बता देंगे, मतलब बाद में बता दें. देखिए मैंने आपको ये बताया था सर प्रोटोकॉल के एक पैकेट में कितनी बिट्स हैं. 96 बिट्स हैं. 896 बिट्स पेलोड में है और ट्रेलर में 32 बिट्स हैं. तो कुल हो गई 1024 बिट्स, ठीक है? और फिर मैंने आपको ये बताया था कि 8 bits मेक 1 byte या 1 character. तो ये अगर आप इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 8 से डिवाइड करें. तो इसको आपने 8 से डिवाइड किया 1024 को तो जवाब आया 128. इसका मतलब है एक ईमेल पैकेट में 128 कैरेक्टर्स होते हैं. बल्कि आप नोट करें, आपने देखा होगा कि आपको SMS वाले भी कहते हैं कि एक SMS कितने कैरेक्टर का होता है? कितने का होता है जी एक SMS? 160 कैरेक्टर्स का सर. 160 या 140? सर आई गेस 160. अच्छा, तो देखिए उसका पैकेट मुझे याद नहीं आ रहा. उसका पैकेट 160 का है, ठीक है? ईमेल का पैकेट जो है 128 का है, ठीक? तो अब अगर आप भेज रहे हैं कोई एक ऐसा मैसेज जिसमें 1000 लव्स हैं, 1000 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो 1000 कैरेक्टर्स के लिए आपके पास कोई बनेंगे 8-9 पैकेट्स, ठीक? जी सर. डज आंसर योर क्वेश्चन? जी सर. फिर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की. और प्रोटोकॉल का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस. और ट्रैफिक प्रोटोकॉल्स की हमने बात की थी कि ट्रैफिक प्रोटोकॉल जो है ट्रैफिक रूल्स है उसके मुताबिक आप सड़क पर आते हैं. तो अगर कुछ ना भी हो तो आपको बताया कि प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको गाड़ी लेफ्ट साइड पर रखनी है, ठीक है? और सिग्नल रेड होगा तो रोकनी है. और अगर कोई इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा. कोई अगर सिग्नल पे नहीं रुका तो हमें पता चल गया कि किसी ने इस प्रोटोकॉल को वायलेट किया है. जी यहाँ तक क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक, गुड.
अब आप बिजनेस कम्युनिकेशन में आए तो सबको ये पता है कि लेटर लिखते हैं हम, ठीक है। जब आपने लेटर लिखा था, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे एक लेटर लिखा, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर रूल, एज पर प्रोसीजर, अगर आपने लेटर मुझे लिखा है तो मेरा नाम ऊपर होगा और आपने जो लिखा है आपका नाम सबसे नीचे होगा। इज दिस क्लियर? अब बीच में जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं वो होगा जी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आपने मुझे ये मैसेज भेजा। अच्छा, मैसेज जब मेरे पास आया तो रास्ते में पता नहीं कोई गड़बड़ हुई, क्या हुआ, उसकी वजह से जब ये लेटर मेरे पास आया तो देखा मैंने कि मेरा नाम नीचे है और आपका नाम ऊपर है, तो मुझे समझ में आ गया कि इस लेटर में एक एरर है। यस नो? क्यों? एज पर प्रोटोकॉल, अगर आई एम द रिसीवर, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए था और आपका नाम नीचे होना चाहिए था। जी ऐसा है? यस सर। तो अब जैसे ही मैंने ये एरर डिटेक्ट किया, क्या मैं इस एरर को करेक्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मैंने अपना नाम उठा के नीचे लिखा और आपका नाम उठा के ऊपर लिखा, सॉरी अपना नाम ऊपर लिखा और आपका नाम नीचे नीचे कर दिया, तो ये पैकेट अब करेक्ट हो गया। यस नो? जी ये बात समझ आ गई। तो यूं जो ऊपर हमने लिखा था ना, प्रोटोकॉल्स कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। जी ये बात क्लियर हो गई? जी जी क्लियर। जी सर क्लियर। अच्छा जी, कम्युनिकेशन के अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, एसएमएस में, टेलीविजन कम्युनिकेशन में, हर जगह पे, ये दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है, जाती है, रिसीव होती है, एक्नॉलेज होती है, ठीक। जी ये चीज क्लियर है? और अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो अपने आप को सही भी कर लेता है। अच्छा, अब हर नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल अलग अलग है, हर नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल अलग अलग है। इसकी मिसाल मैं आपको ये लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यस नो? यस सर। तो प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। और बड़ी मिसाल लें, फॉर एग्जाम्पल कि आप देखिए, मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ पाकिस्तान से इंडिया चला जाऊँ तो कोई इशू नहीं है, इसलिए कि हम लोग चलाते हैं गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड पे और इंडियंस भी लेफ्ट साइड पे चलाते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से चाइना चला जाऊँ तो चाइनीज ड्राइव ऑन द राइट हैंड साइड, उनके प्रोटोकॉल थोड़े से डिफरेंट है, तो हमारे प्रोटोकॉल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। यस नो? एग्री। अब अगर मुझे पाकिस्तान से चाइना जाना है तो फिर मुझे प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या ये बात समझ आ रही है? yes, sir. उसके लिए फिर एक डिवाइस होती है विच इज कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटा भेज रहा हूँ सेलफोन से और ये जाना है किसी सुपर कंप्यूटर पे, अब सुपर कंप्यूटर के पास हो सकता है डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, आपके सेल फोन में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो बीच में प्रोटोकॉल कन्वर्टर होगा और वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर जो है डेटा को कन्वर्ट कर देगा एक नेटवर्क फॉर्मेट से दूसरे नेटवर्क फॉर्मेट में। जी क्या ये बात समझ आ रही है? yes, sir. Yes, sir. Right. चलो अब नेटवर्क का जिक्र आ गया तो हम देख लेते हैं व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क की एक अच्छी जी बोलें सर, ये इंटरप्ट हो रहा था थोड़ा, कहाँ गड़बड़ा बताएं? आप जो कंफ्यूजन आ रहे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो सर। जी बोला। जी सर, जो आप एग्जांपल दे रहे थे वहां से आप बता दें थोड़ा सा, इंटरनेट में थोड़ी एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा था कि जैसे हर मुल्क के ट्रैफिक रूल्स में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ठीक है,
इसी तरह से आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल लैन है, ठीक है, इंटरनेट है, सेलफोन नेटवर्क है, टेलीविजन नेटवर्क है, तो हर नेटवर्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, तो उसके पास अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसर्स। ऑटोनोमस प्रोसेसर का मतलब है इंडिपेंडेंट प्रोसेसर, ये बड़ी अहम चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसी भी चीज को नेटवर्क बोल देते हैं, लेकिन पहले हमें सोचना चाहिए, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली नेटवर्क वही होता है जिसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेसर होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसर का मतलब है कि वो प्रोसेसर अकेले भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो अगर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ना भी हो तो आप उस पर अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। यस नो? जी, ये बात समझ आती है? आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे किसी और नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे तो उस नेटवर्क के जो फायदे हैं वो भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक। तो ये आपका, इसका मतलब है ये एक नेटवर्क है, लेकिन बाज़ार क्या होता है, जैसे आमतौर से हम सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम है, उसमें होता ही है, मेरा सुपर कंप्यूटर है, बैटरी डाउन, हेलो, लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा कोई सेटअप देखा है कि वहां पर बंदे के पास, अभी सेटअप आपको कम नजर आता है, कि जो यूजर्स हैं उनके पास सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर है, कीबोर्ड और मॉनिटर है, वो कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं और मॉनिटर पे आउटपुट कर रहे हैं, उनके पास अपना सिस्टम यूनिट नहीं है, अपना सिस्टम यूनिट नहीं है, वो एक मेन सर्वर कहीं दूर रखा हुआ है, उससे कनेक्टेड है, वो इनपुट करते हैं, सर्वर में जाता है, वहां प्रोसेस होकर इनके पास स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है, ठीक। उसको हम नेटवर्क नहीं कह सकते, उसको नेटवर्क इसलिए नहीं कह सकते कि वहां पर एक ही प्रोसेसर है जिससे बहुत सारे कीबोर्ड्स और बहुत सारे मॉनिटर्स जुड़े हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? जी समझ आ रही है, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, आपके पास अपना पीसी है, मेरे पास अपना पीसी है, हमने इसे कनेक्ट कर लिया, ठीक। तो ये बन गया नेटवर्क। ये नेटवर्क इसलिए है कि आप अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जो सेटअप है जिसमें बंदे के पास सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर है, वो अगर मेन सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना इनपुट कर सकता है, ना प्रोसेस कर सकता है, ना आउटपुट कर सकता है, ठीक। तो इसलिए उसे हम नेटवर्क नहीं कहते। नेटवर्क बाय डेफिनेशन वही होता है कि जिसमें आपके पास अपना प्रोसेसर हो और बहुत सारे प्रोसेसर्स, सीपीयूज या सिस्टम यूनिट्स को हम आपस में कनेक्ट करें। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। राइट। अच्छा जी, सैयद ज़िल्ले अब्बास जी, you have a question? Hello. जी, सर आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर, आपने इससे थोड़ा सुपर प्रोटोकॉल में सर आपने बताया था कि अगर सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसको चेंज कर सकता है, उसको ऐड करने के लिए, ये चेंज नहीं कर सकता। मैंने ये कब कहा सर? ऐसे बताया था आपने? नहीं, मैंने वो लेटर के केस में कहा सर। आपने तो कहा कि हां, मैंने लेटर के केस में कहा था कि मैं करेक्ट कर सकता हूं उसे, ठीक है ना, एज पर प्रोटोकॉल। तो अगर सर, लेकिन सर अगर वो क्रिएट कर सकते तो जी जी लेकिन आप ये तस्वीर देखें ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैंने क्या कहा था कि ट्रेलर के अंदर एक तो दी एंड होता है और दूसरा इसमें एरर करेक्शन का प्रोसीजर होता है। कोई पैकेट अगर खराब हो जाता है तो वो अपने आप को खुद ही सही कर लेता है, यूजर सही नहीं करता है, ठीक। वो मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लेटर के केस में ये है कि मैं उसको सही करता हूँ, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली स्पीकिंग उस पैकेट को खुद पता है कि मुझे अगर मैं खराब हो जाऊंगा तो मुझे सही कैसे होना है। जी नहीं सर, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर जो
उसके जो दरमियान में सर जो असल जिसमें सारा मवाद होगा, जो हमारी बात होगी बिजनेस के मुतालिक, सर उसको तो चेंज ना वो कर सकता, यूजर नहीं चेंज कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक सर, यही मुझे मसला था, मैंने कहा अगर तो वो चेंज कर सकता, नहीं हमारी प्राइवेसी भी ना रही, वो तो फिर एक बात लिखेगा, पैकेट अपने आप को खुद ही सही करता है, अगर पैकेट खराब होता है तो खुद ही सही कर लेता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, रीजंस क्या हैं या एडवांटेजेस आप कह रहे हैं? रिसोर्स शेयरिंग कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हम सब लोग नेटवर्क पे हैं, मेरे पास आए आपके पास भेज सकते हैं, अगर मैं नेटवर्क पे हैं तो हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अच्छा हाई स्पीड प्रिंटर लगा हुआ है, वो सब यूज़ कर सकते हैं, या मेरी हार्ड ड्राइव को, मैं आपकी हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकता, हम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऐसे कोई भी यूज कर सकते हैं, हम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, मैंने इंटरनेट सर्विस ली हुई है, हम सब उसको शेयर कर सकते हैं। अगली रीजन ये है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाती है आपके पास, सिक्योरिटी हो जाती है, क्यों? जब नेटवर्क बनाते हैं तो फिर हम लॉग ऑन आई डीज और पासवर्ड्स भी बनाते हैं, है कि हर कोई नेटवर्क पे नहीं आ सकता, उसके पास लॉग ऑन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, वो ही आ सकता है, इसका मतलब है कि लोग ऑथराइज लोग ही आ सकते हैं। फिर एक नेटवर्क जब बना होता है तो उसके अंदर मॉनिटरिंग हो रही होती है कि कब कौन लॉग इन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, क्या उसने प्रिंट किया, क्या उसने एक्सेस किया, कितनी देर वो सिस्टम में रहा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट आउट्स को सेंट्रलाइज कर दें, हर एक को प्रिंटर देने के बजाय एक हमने सेंट्रलाइज प्रिंट आउट का मैकेनिज्म रख दिया है। इसका फायदा यह है कि हर कोई चीज़ें प्रिंट करके ऑफिस से बाहर नहीं ले जा सकता, एक सेंट्रलाइज जगह पे प्रिंट आउट होगा, और अगर आपने कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिंट की तो वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि किसने प्रिंट की है, और अगर लीक होती है तो आप पकड़े जाएंगे। जी बात समझ आती है। और एक और चीज़ है कि अगर नेटवर्क होगा तो उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी बंदा ईमेल के साथ अटैचमेंट नहीं भेज सकता, तो अब आपने सोचा कि मैं अगर प्रिंट आउट नहीं कर सकता तो मैं ईमेल कर दूं, तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप कोई भी कंपनी की फाइल अटैच नहीं कर सकते ईमेल के साथ। ठीक, तो यूं बहुत सारी सिक्योरिटी आपके पास आ जाती है। अच्छा, फिर आपके पास एक और एडवांटेज ये है कि यू आर फ्लेक्सिबल वर्किंग, आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं नेटवर्क से कनेक्ट होकर। फिर लोड शेयरिंग एंड बैलेंसिंग भी हो जाती है, अगर आप देखते हैं कि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और किसी सर्वर पे लोड ज़्यादा है, वो लोड आप शिफ्ट कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर। एक और रीज़न या एडवांटेज ये है कि आपके पास अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है तो आपने एक बैकअप सर्वर भी रखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आपका एक्चुअल सर्वर क्रैश करता है तो आपका बैकअप सर्वर एक सौ होता, आपका काम जाया नहीं होता, आपका काम रुकता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे प्रिंटर्स लेने के बजाय चंद प्रिंटर्स ले लिए, बहुत सारे स्कैनर्स लेने के बजाय एक स्कैनर ले लिया। और इसके अलावा पूरा का पूरा सेटअप आप एक ही जगह से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। जी इनमें कोई इशू है तो बताएं। जी एवरीवन, नो सर, सब क्लियर, ग्रेट। अच्छा, अब अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो क्या क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए, एक तो आपको हार्डवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बिकॉज़ मैं आपसे कल क्या कि नो हार्डवेयर वर्क्स विदाउट सॉफ्टवेयर, राइट? और फिर लाइववेयर चाहिए। अच्छा, हार्डवेयर में आपको कंप्यूटर चाहिए, कम से कम दो कंप्यूटर्स हो, फिर आपको कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चाहिए, लैंड कार्ड या मोडेम कार्ड, ठीक है, फिर आपको कोई मीडिया चाहिए, वायर्स, ठीक है, कई किस्म के वायर्स हैं, और आजकल तो वायरलेस आपके पास भी है, वाईफाई है, वाईमैक्स है, ठीक है, फिर आपको कुछ कनेक्टर्स चाहिए होते हैं जो कंप्यूटर में लगाने होते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए हो, हब, स्विच, राउटर आजकल आपने देखा है कि हर घर में ही लगा हुआ है,
जिससे आप वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, फिर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, और यहाँ जो सॉफ्टवेयर चाहिए उससे हम आमतौर से नॉस कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज एनटी एक जमाने में खासा पॉपुलर रहा है, यूनिक्स है, लिनक्स है, नोवेल नेटवेयर एक जमाने में खासा पॉपुलर रहा है, लैंटास्टिक है। तो ये स्पेशलाइज किस्म के सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने हार्डवेयर को एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर लें। अब तीसरा, आपको नेटवर्क में बनाने के लिए लाइववेयर चाहिए, बंदा चाहिए, कोई नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक जी। यहाँ तक क्लियर सर? सर जी जी बोले सर, आजकल सबसे ज्यादा नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा होता है नेटवर्किंग के लिए, जैसे आपने अभी बताया विंडोज एनटी, यूनिक्स, लिनक्स, नोवेल, इनमें से? देखिए आज के लोग जो है सर्वर्स में ज्यादा लिनक्स डाल रहे हैं, लिनक्स, और जो बहुत ही हाई एंड मशीन्स हैं उसमें यूनिक्स। आपको पता है यूनिक्स इज बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दुनिया का जो 80% टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ना वो यूनिक्स पे चल रहा है, और बड़ी बड़ी चीज़ें यूनिक्स पे चलती हैं। आपके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये जितने बड़े बड़े सेटअप्स हैं ये यूनिक्स में। अच्छा, आम आदमी के लिए यूनिक्स थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, इसलिए लोग विंडोज पर जा रहे होते हैं। लेकिन पीछे आप देखेंगे बड़ी बड़ी जगहों पर यूनिक्स ही लगा हुआ है अभी भी। अच्छा, अब यूनिक्स का जो लिनक्स है ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये यूनिक्स का एक GUI फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर फॉर्म है। तो अब लिनक्स खासा पॉपुलर होता जा रहा है, अब देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर आपको लिनक्स सर्वर्स मिलेंगे। जी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अच्छा दो दफा पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक पढ़ेंगे बाय आर्किटेक्चर। जी गुलजैब, यू हैव अ क्वेश्चन? आदमी चाहिए आपको एक नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सही? ओके सर, थैंक यू। ओके, द टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम पढ़ेंगे बाय आर्किटेक्चर, और फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाय साइज, ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाय आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर डिजाइन के हवाले से दो किस्म का हो सकता है, एक तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। चलिए जी, तो पहले देखें आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर नाम में देखें दो किस्म की मशीन होंगी इसमें, एक सर्वर मशीन होगी और एक क्लाइंट मशीन होगी। इसको बिल्कुल यूं समझें कि ये क्लासरूम की तरह से है जिसमें टीचर इज द सर्वर एंड स्टूडेंट्स आर द क्लाइंट्स। तो एक सर्वर है टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लाइंट्स। तो आप क्लाइंट्स सवाल कर सकते हैं और सर्वर जवाब दे सकते हैं, ठीक जी, ये बात समझ आती है? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखिए ना, बहुत सारे सर्वर्स हैं। आप आपका फॉर एग्जांपल एक MIS का सर्वर हूँ मैं हूँ, ठीक है, एक आपका कोई मैथ्स का सर्वर होंगे, कोई आपका कंपनी लॉ के सर्वर होंगे, गेटिंग? तो आप डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट सर्वर्स को एक्सेस करते हैं और अपने सवालात करते हैं और आपको जवाब मिलते हैं, जी ऐसा होता है? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखें प्रैक्टिकल टर्म्स में, एक होती है सर्वर मशीन, एक होती है क्लाइंट मशीन। तो सर्वर मशीन इज अ डोमिनेटिंग मशीन, ठीक है ना, बैंक में सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और आप जब बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपकी मशीन सर्वर की क्लाइंट बन जाती है, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो उस सर्वर का क्लाइंट होता है, ठीक एवरीवन? Yes, sir. अब आपके पास सर्वर मशीन पे आप कुछ भी चीज डाल रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्वर मशीन्स हैं जो ईमेल सर्विसेज दे रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो गेमिंग सर्वर्स हैं, ठीक है, कुछ वीडियो सर्वर्स हैं, कुछ मूवी सर्वर हैं, कुछ गाना सर्वर हैं, ये बात समझ आती है? तो कभी मैं ईमेल सर्वर का क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं हॉटमेल पे जाता हूँ, तो मैं हॉटमेल एक ईमेल है, मैं उस सर्वर का क्लाइंट बन जाता हूँ, वहाँ मेरी ईमेल्स पड़ी हैं, मैं उनको देखता हूँ, भेजता हूँ, रिसीव करता हूँ, करें तो सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर इदारे में एक फाइल सर्वर होता है। फाइल सर्वर का काम क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं उनकी फाइलें एक जगह पे हम पड़ी होती हैं, सारी फाइलें बनती हैं वहीं पड़ी होती हैं, शेयर हो सकती हैं, ठीक है, तो उस सर्वर को हम कह सकते हैं फाइल सर्वर। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स लगे हुए हैं और हम उन प्रिंटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पास हमारे पास प्रिंट सर्वर लगा हुआ है। तो अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंट सर्वर के क्लाइंट बने और प्रिंटिंग कर लें, ठीक। आपके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारी सर्वर मशीन्स होती हैं, आप किसी भी सर्वर मशीन का क्लाइंट बन सकते हैं और जो भी आपको चाहिए उसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जी बात समझ आती है? यस सर, आ गई। राइट, अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर देखें, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये आपका सर्वर है और ये आपके क्लाइंट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल सर्वर है तो आप इससे कनेक्ट हुए, यहाँ पर आपकी ईमेल्स पड़ी हैं, आप ईमेल्स भेजें, रिसीव करें, जो भी करें, ठीक है। अगर ये फाइल सर्वर है तो यहाँ पर सारी फाइलें पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर ये गाना सर्वर है तो आप गाने उस पर डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर ये मूवी सर्वर है तो मूवीज। जी ये बात समझ आ गई? ओके सर। अच्छा ये एक थोड़ी बड़ी पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये कंपनी का सर्वर है, कॉर्पोरेट सर्वर है, और ये आपके पास हर डिपार्टमेंट का अपना सर्वर है, डिपार्टमेंटल सर्वर है, और यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केटिंग का सर्वर है, यहाँ चार मार्केटिंग के यूजर्स इससे कनेक्ट हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये फाइनेंस का सर्वर है और चार यूजर कनेक्ट हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन का सर्वर है, ये चार यूजर कनेक्ट हुए हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि ये डिपार्टमेंटल सर्वर के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल सर्वर जो है कंपनी का जो मेन सर्वर है ये उसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका सर्वर हूँ, आप मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन हो सकता है मेरा भी कोई टीचर है, आपने कोई सवाल किया मुझे नहीं आएगा तो मैं जाके अपने टीचर से पूछूंगा, अपने सर्वर से पूछूंगा। जी एवरीवन एग्री? राइट, श्योर है जी। अच्छा अब एक चीज अगर आप समझना चाहें तो मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि ये वाला सर्वर है, आप कभी लोगों से पूछें, किसी बैंक में जाएं, किसी जगह जाएं, तो लोग कहेंगे जो कंप्यूटर रखा हुआ है ये मेरा सर्वर है। इसीलिए आप देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो सर्वर है ना, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना सर्वर मशीन। नोट करें ऊपर मैंने क्या लिखा कि आपके पास क्लाइंट सर्वर में दो किस्म की मशीन्स होती हैं, एक सर्वर मशीन और एक क्लाइंट मशीन, ठीक है। सर्वर मशीन में चल रहा होता है सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर मशीन में चल रहा होगा सर्वर सॉफ्टवेयर और क्लाइंट मशीन में चल रहा होगा क्लाइंट सॉफ्टवेयर। यस नो? यस सर। और आम तौर से जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं अपने इदारे के अंदर तो आपको दो सर्वर चाहिए होते हैं, ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, एक फाइल सर्वर ताकि मेरी फाइलें समझ जाए और एक प्रिंट सर्वर ताकि मेरे प्रिंट आउट समझ जाए, ठीक। अब मजे की बात यह कि दोनों सर्वर जो है, फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ये मैं चाहूँ तो एक ही सर्वर मशीन में डाल सकता हूँ, एक ही हार्डवेयर में डाल सकता हूँ, एक ही कंप्यूटर में डाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए ना ये मुमकिन है कि एक साहब
जो मैथ्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, उसी बंदे के अंदर स्टैट्स का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है, यस नो? तो बंदा एक है और उसके अंदर दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, यस नो? बिल्कुल। इसी तरह से कंप्यूटर में भी हम ये कर सकते हैं कि मुझे एक नेटवर्क बनाने के लिए एक फाइल सर्वर चाहिए ताकि मेरी फाइलें हैंडल हो जाए, और प्रिंटआउट्स को हैंडल करने के लिए प्रिंट सर्वर चाहिए। तो ये दो सॉफ्टवेयर मैंने एक ही मशीन में डाल लिए हैं, ठीक। मैं चाहूँ तो अलग अलग मशीन में भी डाल सकता हूँ, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। जी यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस सर। इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है इसका, अगर हम फाइल और प्रिंट सर्वर एक ही बना दें दोनों? देखिए इसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है, अगर एक ही बंदा आपको तीन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, जिस दिन वो बीमार होगा तो तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होंगी। बात समझ आती है? तो इसमें नुकसान ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर है, एक मशीन है सर्वर मशीन, उसमें मैंने दो सॉफ्टवेयर डाले हुए, दो सर्वर सॉफ्टवेयर डाले हुए, अगर ये हार्डवेयर क्रैश कर गया तो दोनों सॉफ्टवेयर फेल हो जाएंगे। जी क्लियर है? अच्छा आमतौर से आप कभी भी जो इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है या विंडोज एनटी है, जो भी आप इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर, उसी के अंदर ये दोनों सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, तो आपको अलग से जरूरत नहीं होती है। तो आपको लगता है आपने एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है लिनक्स, या आपने एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है विंडोज एनटी, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर दोनों है उसके अंदर, इसलिए आमतौर से अलग अलग डिस्कस नहीं होते। क्योंकि जब आप कोई भी नॉस इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है जी? ये सारी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, जब आप नेटवर्क के ऑडिट पर आएंगे तो इसी की बेसिस पे हो रहा होगा। देखिए जब हम ऑडिट पे आएंगे ना, वहाँ चीजों पे टाइम नहीं लगेगा, वहाँ हम सिंपली कहेंगे अच्छा हमने ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है। इसीलिए आई एम स्पेंडिंग अ गुड टाइम हियर क्लैरिफाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उन्हें यहाँ क्लियर करना है। वहां जाके अगर कोई पूछेगा कि जी वो सर्वर क्या होता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वहां हम सिंपली कहेंगे सर्वर में हमें ये चीजें देखनी होती है। जी एवरीवन? यस सर। ओके गुड। अच्छा जब हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सर्वर, तो हम सर्वर दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर डेडिकेटेड भी हो सकता है और नॉन डेडिकेटेड भी हो सकता है, और आजकल खैर डेडिकेटेड ही होता है। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि हम ऑफिस आते हैं, एक कंप्यूटर रखा हुआ है एक कोने में अलग से, हम आके उसको स्टार्ट करते हैं और हम सब लोग उससे कनेक्ट होते हैं, हम अपना सारा काम करते हैं उस पर और शाम को उसे बंद करके चले जाते हैं, ठीक। कोई भी उस सर्वर को टच नहीं करता, बस उसको आप ऑन करते हैं और शाम में उसको ऑफ करते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है कि उसको हमने रिजर्व कर दिया है तो एक्ट एज ए सर्वर, ठीक। अगर नॉन डेडिकेटेड सर्वर होगा तो क्या होगा? नॉन डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है उसको मैंने स्टार्ट किया, सब लोग उससे कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं और मैं उस पर बैठ के अपना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी चला रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब है ये एक नॉन डेडिकेटेड सर्वर है, ये कुछ लोगों के लिए तो सर्वर के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा पीसी है, मेरे लिए ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। आजकल हम ऐसा नहीं करते, तो छोटी मोटी सी जगह हो तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बड़े सेटअप्स में डेफिनेटली वी ऑलवेज यूज डेडिकेटेड सर्वर। जी somebody raise hand, question है जी, बोला। जी somebody has a question। तो ये डेडिकेट और नॉन डेडिकेट क्या है? डेडिकेट का मतलब है आपने रिजर्व कर दिया उसको एक ही काम के लिए, और नॉन डेडिकेटेड का मतलब है कि आप उसको सर्वर के तौर
और यानी कुछ लोगों के लिए वो सर्वर के तौर पे काम कर रहा है और हम में से एक बंदा उस पर बैठ के अपना पर्सनल काम भी कर रहा होता है उस पर, तो इसका मतलब है कि वो सर्वर कुछ लोगों के लिए सर्वर के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक बंदे के लिए पीसी के तौर पर एक्ट कर रहा है। ओके सर, राइट। अच्छा जी, ये बात मैं आपसे कह चुका हूँ, क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशन, जो सर्वर पे प्रोग्राम चल रहे हैं वो सर्वर एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट पे चल रहे हैं वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक जी, समबडी रेज हैंड। जी कैलफैन, का क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटोकॉल की एग्जांपल में एंटीवायरस आ सकता है क्योंकि इट इज सपोज। जी बोले बोले बोले, बोले। जी कैफलान, यू कैन स्पीक। सर वो म्यूट कर दिया था होस्ट ने। सर मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है ना एंटीवायरस प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल हो सकते हैं क्योंकि जो है ना ये फाइल्स को करप्ट करता है और दूसरा ये व्हिच कॉजेस एरर्स। देखिए प्रोटोकॉल तो हर चीज के लिए होता है, अगर आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल, आपने खाना खाना है उसका भी प्रोटोकॉल होता है, क्या ख्याल है? आपने कॉलेज आना है, यूनिवर्सिटी आना है, ऑफिस आना है, तो उसका भी प्रोटोकॉल होता है। तो अगर आप इसको बहुत ही जनरल अंदाज में कहेंगे तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा, यस देयर इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के तहत जो मैलिशियस चीजें होती है उनको पकड़ता है, ठीक है, तो ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इंटरेस्ट है ना वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंटीवायरस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो यकीनन वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल एंटीवायरस जो है किसी प्रोटोकॉल के तहत काम करता है तो यकीनन एक प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, वो तो चीजों को चेक करता है और पकड़ता है। तो बात समझ आती है? ठीक है, आर यू गेटिंग द आंसर? जी जवान, जवाब भी तो दें। यस सर, मुझे समझ आ गया, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, मेरी मुझे एक क्वेरी है, वो मैंने आपसे पूछनी है। कब पूछेंगे, क्लास खत्म होने के बाद? नहीं नहीं, अभी पूछ रहा हूँ सर, अभी। अच्छा, सर आप जरा काइंडली वो बुक का नेम तो कोई इलेबोरेट कर दे जो हमने पढ़नी है। ओके नौजवान, ये मैंने कई दफा कहा कि एक बार आपका व्हाट्सएप ग्रुप फाइनल हो जाए, मैं और आज मुझे लगता है कुछ फाइनल हो गया, तो आई विल बी शेयरिंग दिस इन द ग्रुप। ओके दिस इज माय बुक। ठीक, ये जो आपका कोर्स है ना, ये कोर्स एक जमाने में 2001 में जब ये कोर्स आया तो ये स्टेज 6 का कोर्स था। ठीक है, I've been teaching since then. I wrote my book back in 2001. Okay, it has been updated. तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। सर ये वाली जो आपने अगर पढ़ना है, इससे पढ़ें आप और आप देखें कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है, आपका पेपर कवर हो रहा है, तो उसको इस्तेमाल करने वाला फेंक दें। सर हमारे पास सिज़ा अमेंडमेंट रिव्यू 2001 है, हम उसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ें आप, और अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो आप एक काबिल आदमी हैं। I will suggest कि अगर आप सिसा मैनुअल पढ़ सकते हैं और सिसा मैनुअल से को समझ सकते हैं तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप सिसा का एग्जाम भी दे दें। ठीक है जी, क्योंकि उसको आप खोल के देखें और आपको अंदाजा होगा कि इट हैज बीन रिटन, ऑल्दो आई नो कि वो आईसीएम ने रेकमेंड किया हुआ है। जी सर, ठीक है, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता और इसीलिए मैं ज्यादा तारुफ वगैरह की बात में नहीं जाता। आज मेरी तीसरी क्लास है, मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि मेरा नाम ओवैस है एंड आई एम टीचिंग। सर मेरा भी सुन ले, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। पाकिस्तान में आई डिड माय सीआईएसए बैक इन 1999। ठीक है, पाकिस्तान में 5-6 लोग थे तो मेरा ये, और मैं सब पढ़ाता भी रहा हूँ 8-10 साल। ठीक, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग जिस लेवल पर हैं बिजनेस के लेवल पर आप सिसा का मैनुअल पढ़ सकते हैं। I always disagree. मुझे कभी भी बोले मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता कि आप उसका लेवल, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके पॉइंट्स, उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक है, मुश्किल है सर। ठीक है ना, इसीलिए मैंने एक आसान चीज़ आपके लिए बनाई है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको यूज करें उसको यूज करें। ठीक है सर, आपको जैसे ईजी लगे। जी नहीं, आपको ईजी लगे, मैंने आपको ईजी करने के लिए काम किया। ठीक है ना, ठीक है सर, आई सी एम ए ने इसको रेकमेंड जरूर किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि नहीं सर समझ
सर समझ आ सकती है, लेकिन अगर आपका ये लेक्चर हम पूरा कंप्लीट करें, आपकी बुक की स्टडी करें, इसके बाद अगर हम सीसा का मैनुअल उठाते हैं, वो आपकी मर्जी है, मतलब सर आपकी हाँ, मर्जी है। नहीं उसके बाद हमें समझ आना स्टार्ट चीजें आएंगी थोड़ी बहुत, वो भी मे बी के 25-40-50% हमें उसके अंदर से कोई चीज ऐसी मिले अगर इसको पढ़ने के बाद। मैंने आपको बहुत जबरदस्त बात की, आपको समझ में नहीं आई। मैंने ये कहा कि अगर आप सीसा का मैनुअल समझ सकते हैं चाहे मेरे लेक्चर के बाद चाहे किसी भी तरह से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीसा का एग्जाम देते हैं और दुनिया की बेहतरीन क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। सर सर वो तो बहुत, उसके अंदर तो बहुत लेंदी चीजें हैं सर, उसकी तो बुक उठाने के अंदर पूरा का पूरा मैनुअल ही रेकमेंड किया हुआ ना, यही तो माइंड, यही तो पॉइंट उठाकर देखिए जब उसके अंदर से लिखी बुक की तो है सर। सर ICMA ने भी तो बुक रिकमेंड किया सर, रिकमेंड तो किया लेकिन उसके अंदर 100% पूरा कोर्स है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर है उसमें से हो सकता है इस बहस में पढ़ने के बजाय ना। नहीं नहीं बेकार है सर, ये वाला जो है ना आपकी बुक है ना सर, इसको आज अगर शेयर कर दें तो आपका आपका दिल चाहता है आप इसको फॉलो करें, आपको दिल चाहता है उसको फॉलो करें, लेकिन सर ये शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ, ग्रुप फाइनल हो गया। जी जी हो गया सर, जिसके अंदर आपने कहा था कि आज मैं 10 मिनट लेट आऊंगा, पढ़ लिया उसी ग्रुप पे कर दीजिएगा। थैंक यू सर। राइट अच्छा जी, तो क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन जो है सर्वर एंड पे चल रही होती है, ठीक है, वो प्रोग्राम जो सर्वर एंड पे चल रहा है वो सर्वर एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट एंड पे चल रहा है वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। जी कुछ लोगों ने हाथ रेस किया है। जी जी बोले जी, एनीवन, तीन चार लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बस। सर मैंने पूछना ये था कि आपने अभी कमेंट्स में एक नंबर शेयर किया हुआ है, क्या वो आपका अपना मेरा नंबर है? शुरू में क्लास के लोगों ने कहा था कि आप नंबर शेयर करें, तो आई शेयर दैट नंबर, इट्स माय नंबर। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी और कोई सवाल है? राणा उस्मान। यस सर, सर बुक के रिलेटेड ही था सर, वो आप सेंड कर देंगे तो हम बस सर हो गया सर। ठीक है चलें, ग्रेट चलें, इस चक्कर में टाइम भी खत्म हो गया। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं भी उसी ग्रुप के अंदर आई विल बी शेयरिंग दिस, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।